Assalamualaikum यार, आज मैं आया हूँ शोरमा खाने। ये है वकास भाई हैं, इनका जो शोरमा है मुझे बहुत पसंद है। मेरे तमाम दोस्तों को भी, हमारे पूरे सर्कल में बहुत ज़्यादा चलता है। और इनकी जो फ्राइज शोरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लाइक लीजिए, और वहाँ कैंट में अगर आपने कभी शोरमा खाना हो तो इनके भाई का जो किया है उसको लाजमी विजिट कीजिएगा। तो वकास भाई से पूछते हैं यार, इनके शोरमे की क्या क्या कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? कल भी आज हम फिर आए यार आपके पास शोरमा खाने के लिए। जी जी, कल भी आज आपसे थोड़ा पूछेंगे यार, कब से शुरू किया था आपने? सर मेरे ख्याल 2016 में शुरू किया था। 2016 माशाल्लाह, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गए आपके? जी जी, उसके ज़्यादा जी 4 साल कंप्लीट हो गए। हाँ, 2016 में, अब मंथ मुझे याद नहीं, लेकिन जो एहसान है वो 2016 ही था। ठीक हो गया, ठीक है। तो बाकी ठीक है, माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा है। तो बाकी आपको पता है मार्केट आजकल ओवरऑल थोड़ी सी डाउन है। हाँ, वो तो महंगाई की वजह से काफी असर पड़ा हुआ है। तो लेकिन बाकी जो लोग ने शोरमा खाना है, मैं खाने स्पेशल आप लोगों के पास ही आते होंगे। जी जी, मैं स्पेशल खुद तकरीबन आप कह लेंगे 5 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे आता हूँ बस्ती से। अच्छा, और अच्छा। वहाँ पे काफी ज्यादा ठीक है, लेकिन भाई का शोरमा और भाई के फ्राइज हैं वो हम आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। जी, तो क्या क्या यार, क्या क्या डालते हो आप उसमें, क्या स्पेशल हमें इतना पसंद क्यों आता है? क्या सर, शोरमा असल में जो मेरे उस्ताद है ना, वो लाहौर से हैं। अच्छा, हमारा जो है तलक वैसे लाहौर से ही है, तो वहाँ से हमने सीखा है। तो बहुत ही, ये तो मैंने अभी शुरू किया 2016 में, लेकिन माशाल्लाह जो खा रहे हैं हम, बना रहे हैं वो 2009 से ना, 9-10 से। तो वाकड़ में तो अभी भी आया है। तो ये है कि मैंने किया बाद में लगाया है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह आप टेस्ट किया होगा। हाँ, तो बाकी ये है कि हमारे पास होता है बर्गर, शवारमा, चिप्स, ठीक है। तो चिप्स के साथ मेरे ख्याल वाकरनी पूरे पाकिस्तान में कोई इतनी कम ही लोग होंगे जो मायनीज, स्पाइसी और केचप, तीन चटनियों के साथ में जो है ना वो सर्व करते हैं। ये बात होती सच यार, हम जब भी आए हैं बेसिक आप 50 की चिप्स लेंगे, आपको तीनों आपकी जो मायनीज हैं, चटनी हैं, तो मतलब ये है कि हमें वो प्राइस में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। क्या पता वो पूरे भी ना होते हैं, क्योंकि हमने कभी वो हिसाब नहीं लगाया कस्टमर के लिए। आप वो कस्टमर के लिए बना रहे, क्योंकि अगर वो चिप्स खाएंगे तो साथ हमारा शवारमा बिक जाएगा, बर्गर बिक जाएगा। इसलिए ये देखिए कितनी, लेकिन बाकी जब भी हम इनके पास आए, जितने मर्जी के हम इनके फ्राइज में साथ वो तीनों किस्म की चटनियां, उन चटनियों का अपना ही टेस्ट है। बाकी तो अभी आप मतलब आए लेट हैं, वरना भी रश होती है। तो इस टाइम तो मतलब बस यार ठंड थी, हम तो अचानक बारिश का भी मौसम है। जी, बारिश का मौसम। बाकी ये है, हमारे दोस्त ही हैं, कस्टमर भी हैं, दोस्त भी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है यार, लगवाते हैं उनसे। आप ऐसा करो ना यार, फिलहाल तो शोरमा और हमें बर्गर भी यार। हाँ, बर्गर भी ये बहुत मजे का लगाते हैं। तो बर्गर, शोरमा और फ्राइज वकाल के तीनों आपने लगाने हैं। अच्छा, लगाए हमारे, लगा देते हैं, कोई मसला। अच्छा यार, यहाँ पे आए हुए हैं वकाल भाई के पास, और भी कस्टमर्स तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इनके टेस्ट के बारे में। हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन कन्फर्म करते हैं। यहाँ से आप कह लो 15-20 मिनट की ड्राइव लेके हैं यहाँ पे आए हैं। असल में इनका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत नाइस आदमी है ये, नो डाउट। तो वो हमारे बच्चे अक्सर के मकसद उनको बता दो ना कि फलाना बंदा है, तो उसको भी दे देते हैं, पैसों की फिक्र नहीं करते ये। तो इनका अखलाक की वजह, और अच्छा मजे की बात इनकी जो रेसिपी है ना, वो बहुत अच्छी है। बेसिकली हम इतनी दूर में, बारिश हो रही है, देखेंगे पैदल आए हैं, मोटरसाइकिल भी नहीं था, तो इस वजह से माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा, और मुस्कुराते शख्सियत है ये, बात करेंगे बिल्कुल, नो डाउट। हम जब भी आए हैं बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनकी रिस्क में इजाफा करे। कैसा लगता है आपको सबसे मतलब शोरमा या चिप्स? बर्गर मुझे इनका ज़्यादातर शवारमा अच्छा लगता है। वैसे शवारमा अच्छा लगता है, ये गोश्त है ना, ये ज़्यादा जायकेदार है। ये नहीं पता कहाँ से लाते हैं, ये रेसिपी छिपाते हैं हमारे। यहाँ का एरिया तो नुमान भी आपका यहाँ पे खाने के लिए जाए, खाने के लिए शोरमा ही आए हैं, रोज आते हैं डेली भाई के पास। देख लीजिए, यहाँ पे हर बंदे को इनका शोरमा पसंद है, और इसी से आप अंदाजा लगा लेकिन इनका शोरमा कितना स्पेशल होगा। कितना हो गया आपको इनको खाते हुए?
मैं तो हो गया दो तीन सालों में जब से भाई ने स्टार्ट किया है। अच्छा ये मतलब पुराने कस्टमर हैं। हां पुराने रेगुलर कस्टमर हैं जब से भी होती है भाई। अब तो बल्कि ये दोस्त बन गए ना तो हम दोस्ती यारी हो गई अच्छी। हां जाहिर सी बात है इतना अच्छा कस्टमर एक आता है तो उसके साथ आपका एक रिलेशन बन जाता है। तो कभी आपको इनसे कोई शिकायत हुई हो कभी? कोई कमी नहीं भाई बंदे का भी बहुत अच्छा है। सर मैं खुद पूरे वादे में ऐसे ही पूरे वादे में सबसे अच्छा देख सकते हैं। नो इवन के ये इनका शोरमे का शिफ्ट भी अच्छे हैं साथ में। मैं वो लोगों से गुजारिश करता हूँ आए कभी विजिट करें वहाँ पे नागली चौक का तो वकाल भाई के पास लादमी है चेक करें इनका। होपफुली आपको भी इनशाला पसंद आएगा। थैंक यू जी। बहुत सारे के बारे में इसका मतलब हॉट एंड स्पाइसी के नाम से ठीक है। लाइकली चौक में अगर आप वॉक एंड में रहते हो तो आपको लाइकली चौक का पता होगा। सेफी मेडिकोस के बिल्कुल सामने इनका ये स्टॉल है तो यहाँ पे आके जब भी आप कभी यहाँ पे विजिट हो तो आके ट्राई करो। तो और दिखाते हैं आपको अभी खा के बताते हैं कि आज इनके वाकई आज टेस्ट में कस्टमर आए हैं तो उनसे ही पूछते हैं कि इनके बारे में उनका क्या ख्याल है वकास भाई के स्टॉल के बारे में और कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया आपका। मोहम्मद ईशान से भाई कहाँ से आए हैं? मैं न्यू सिटी से। ये भी न्यू सिटी से आए हैं यार, वही 15-20 मिनट की ड्राइव करके अगले यहाँ पे आए हैं। बारिश भी लगी हुई है लेकिन फिर भी मतलब शोरमा लाजमी खाना है वकास भाई। कैसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या लेने हैं आप? इधर से काफी कुछ खाता हूँ, शोरमा इधर भी खाते हैं लेकिन जो सबसे अच्छी चीज बनाते हैं कहीं से भी जो जितनी अच्छी चीजें बनाते हैं साथ स्पाइसी भी देते हैं, साथ भी फ्री देते हैं। ऐसी स्पाइसी क्या कहते हैं तीन तीन चटनी कोई भी नहीं देता साथ, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सेल भी बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह। बाकी बहुत हासिल मतलब क्या कहते हैं मजाक के साथ क्वालिटी होती है शॉपकीपर में कि वो अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बना ले तो जो कस्टमर होता है पक्का उनके बाद पक्का हो जाता है कि एक इखलास से फायर हो जाता है। तो बहरहाल कभी आपको किसी शिकायत शिकायत फिलहाल अभी तो कभी नहीं आई। मेरे को भी तकरीबन 4 साल हो गए आते हुए। बहुत पुराने कस्टमर है क्या कहते हैं इसके साथ वो दोस्ती यारी हो जाती है ना जब आते हैं आते रहते हैं फिर क्या कहते हैं काम शाम। बाकी जो हम 4 साल से जानते हैं हमारे सामने हर चीज़ फ्रेश तैयार होती है, हाथ से तैयार करता है, हमारे सामने हर चीज़ तैयार होती है। मायोनीज होगी, गोश्त, हर चीज़ मुर्गी शुर्गी हमारे सामने हम लाता है। मतलब काम बाइक अप आने का मिलता है कि तसली बख्श है। कोई ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ? आपने सुना होगा यार लाहौर में डड्डू शर्मा के नाम से केस चला था, लेकिन वकास भाई की इस बात में मेरी भी गारंटी है, सबकी गारंटी है कि ये अपना मतलब सब कुछ इनका हलाल भी होता है और बेहतरीन सफाई का निज़ाम के साथ ये बिल्कुल हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करते हैं। क्यों भाई ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो सुना यार आपने भाई का एक और का रिव्यू, मस्ट आप तो ट्राई करना जाना मस्ट हो गया। जब भी आप वॉक एंड विजिट करो लाइकली चौक आओ तो ये अपने हिसाब से ट्राई करो। अमेजिंग, वही टेस्ट है जो हमेशा मिलता है, बेहतरीन टेस्ट। लाजमी ट्राई करना है। जी नाजरीन कैसी लगती है आपको चिप्स भाई यहाँ की? माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। क्यों आते हैं खाने के लिए? स्पाइसी की वजह से। अच्छा अच्छा, मैं स्पेशली आया हूँ चेयरमैन कॉलोनी से इनके पास स्पाइसी और चिप्स और ये शॉर्मा वगैरह खाने। तो इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, इनके पास आया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इनके से चिप्स के अपना ही मज़ा है, चिप्स एक बार जो खाता है वो लाजमी दोबारा आता है। एक बात मुझे बात है, कहाँ से आए हैं? मैं साउथ अफ्रीका से आया हूँ सर। जानत साउथ अफ्रीका से आया हूँ, विजिटर आया हूँ पाकिस्तान में।